जैसा आपको मालूम है गुरु वाणी में पानी पिता माता घट महत्ता चले सकल चकल जितना एनवायरनमेंट को परमात्मा ने बोला है उससे से कहीं नहीं बोला पवन तो है ना और आकाश को और सबको पूरा मतलब पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि जिनसे पांचों तत्व से शरीर बनाया उसको गुरु वाणी में गुरु जी ने अच्छे से दिया हुआ। जी जी पवन गुरु पानी पिता जी माता धरत महत महत जी दिवस रात दोई दाई दाया खेले सकल जगत। वाह ये धरती माँ जो है हमारी माँ है दिन और रात हमारे लिए वो काम करते हैं जो दाई और ये मारने के लिए बच्चों को करते जी तो इसलिए बोलते हैं उसका हमेशा ख्याल रखना है। तो ये मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने वाह गुरु नानक जी ने भगवान गुरु नानक जी ने गुरु जी ने उस समय बोल दिया कि सबसे बड़ी धरती आज उसी के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है यूएनओ लगा हुआ है सब कुछ की वृक्षारोपण करें और ये उन्होंने उस समय बोल दिया था कि धरती माँ है और पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि इन सब की सेवा करोगे तो आप खेलोगे कूदोगे सब कुछ करोगे। वाह सर आपने बहुत ही अच्छा किया जी तो सब एक्चुअली देखा जाए तो सभी जगह यही तो आप ये जो वृक्ष लगा रहे हैं किनको समर्पित कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी का 505वां जन्मदिन पड़ रहा है 12/11 जी 2019 को उन्हीं को मतलब 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश उत्सव है तो वही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मतलब आप सबको ये वाला जो एक संदेश देना चाहते हैं एक बार वो जो दोहा एक बार फिर से दोहराइए। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत। वाह वडियाइयां वाचे धर्म धूप करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। लगाइए ये गुरु नानक जी को समर्पित प्रभु को समर्पित ये वृक्षारोपण। सर आप अपना परिचय देंगे एक बार? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। मैं ग्रीन सिटी में रहता हूँ जी। ग्रीन सिटी भोपाल में। ग्रीन सिटी भोपाल जी जहाँ चंद्रा जी रहते हैं वो सेम उसी ब्लॉक में जी। हम और हमारी श्रीमती दोनों हम लोग यहाँ रहते हैं जी। हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं। बच्चा एक आईएएस है अच्छा जो कि अभी डेप्रेशन पे स्पेन में है जी। या डॉक्टर है यूएस में जी। अभी आगे आपकी उम्र कितनी होगी? 81। वाह आपका जो जज्बा है और आपका जो मतलब समर्पण है परेड के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं तो आप समझो ना समझो जी आप देखोगे तो जो पेड़ है जी हमारा एक्सटेंडेड लंग्स जी हम जो सांस लेते हैं जी वो सांस हमारी बाहर जा रही है और ये पेड़ जो है उनको साफ कर रहे हैं जी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर मेरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं जी फिर मैं निकाल रहा हूँ फिर वो जा रही है तो क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट माई एक्सटेंडेड लंग्स दीज आर ऑल माई एक्सटेंडेड लंग्स जी वी आर नॉट एट ऑल सेपरेट फ्रॉम दिस प्रकृति करती हमारा पोषण। कहा भी गया कि एक पेड़ जीवन भर में 50 लाख तक की वो देता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन शेल्टर फूड क्लोथ चिड़ियों का घोंसला मतलब सब कुछ करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ से जल है तो जीवन है और पेड़ है तो सब कुछ है जल भी है जीवन भी है चिड़िया भी है जानवर भी है मनुष्य भी है सब कुछ है। तो वृक्षारोपण का इतना मतलब इसको वर्णन नहीं कर सकते कि कितना पुण्य का काम है। कहते हैं कि प्लांट ट्रीज ब्लेसिंग्स फॉर एवर पेड़ों से बड़ा पुण्य कोई कार्य नहीं है क्योंकि ये उसको भी ऑक्सीजन देता है जो उसको काटने आता है। इतना परोपकारी होता है कि वो उसको भी देता है जो काटता है मतलब इतना ज़्यादा देने वाला दुनिया में कोई नहीं जितना वृक्ष है। और पत्थर मारते हैं आप तो फल फेंकता। वाह सोचिए आप जी कैसा हो सकता है कि पत्थर मारा आपने उसके फल फेंका जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह सर सरदार नरेंद्र सिंह जी बहुत ही अच्छा वृक्षारोपण किया और 550वीं पुण्यतिथि जगत गुरु गुरु श्री गुरु नानक जी महाराज के उपलक्ष में बहुत ही अच्छा वृक्षारोपण किया और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर आप बोलना चाहें बस और कुछ अरे वो सब कहाँ ले गया जी।